सो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। तो यार आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को डोरेमोन की कुछ ऐसी हिडन स्टोरीज के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सही में तुम्हारी आंखों में आंसू ले आएंगी और ये बात प्रूफ कर देंगी कि आखिर क्यों ये सीरीज सबसे ज्यादा स्पेशल है। तो यार बदले में बस मेरे लिए इतना कर देना कि ये वीडियो एंड तक देखना और अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो यार तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और करते हैं आज की कमाल की वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट स्टोरी है द लिटिल सोल्स प्रॉमिस एंड आई कैन गारंटी कि तुम में से कोई भी स्टोरी को नहीं जानता होगा। तो इस कहानी की शुरुआत में नोबिता डोरेमोन और उनकी फैमिली अपने गांव गए होते हैं। वहां पे पेड़ पौधे पहाड़ और नेचर को देख के वो लोग बहुत खुश होते हैं। तभी डोरेमोन को आइडिया आता है कि क्यों ना इन सभी नेचर की स्पिरिट से बात करी जाए। फिर डोरेमोन अपना गैजेट निकालता है लेकिन हैरानी की बात होती है कि उस गैजेट को यूज करने पे नेचर की किसी भी चीज की कोई सी भी स्पिरिट बाहर नहीं आती। ये चीज देख के नोबिता और डोरेमोन काफी दुखी हो जाते हैं और फिर नोबिता और डोरेमोन वहां से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद नोबिता को नदी के किनारे अपना एक पुराना दोस्त मिलता है जिसका नाम होता है तारो। नोबिता जब भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाता था तो वो उससे जरूर मिलता था। फिर उससे मिलने के बाद नोबिता वापस से अपने घर जाता है और सबको बताता है कि उसको नदी के किनारे उसका पुराना दोस्त तारो मिला। लेकिन नोबिता के पापा नोबिता के ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं। वो नोबिता को बोलते हैं कि आखिर नोबिता नदी के किनारे अकेले क्यों गया और उसके बाद वो उसको डांट के बोलते हैं कि आज के बाद वो तारो से कभी मिलने नहीं जाएगा। तो यार आखिर तारो का नाम सुनते ही नोबिता के डैड इतना अजीब सा रिएक्ट क्यों करने लग गए। इसके पीछे एक बहुत मिस्टीरियस कारण है और इसका आंसर तुम्हें थोड़ी ही देर में पता चलने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। नोबिता नाराज हो जाता है कि आखिर पापा बेमतलब के गुस्सा क्यों कर रहे हैं और इसी नाराजगी में वो फिर से नदी के किनारे चला जाता है। नदी के किनारे जाने पर नोबिता फिर से तारो से मिलता है। फिर तारो नोबिता को अपना 3 साल पहले का किया हुआ एक प्रॉमिस याद दिलाता है कि वो नोबिता को स्विमिंग सिखाएगा और ये बात सुनने पे नोबिता स्विमिंग सीखने के लिए रेडी हो जाता है और दोनों स्विमिंग करने लग जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से बारिश होने लग जाती है जिससे कि नदी का बहाव तेज हो जाता है। यहाँ दूसरी ओर नोबिता घर पे नहीं है और वो अकेले ही नदी के किनारे जा रखा है। जैसे ही इस बात का पता नोबिता के डैड और डोरेमोन को लगता है वो लोग घबरा जाते हैं और नोबिता को ढूंढने लग जाते हैं। और यहाँ नदी में नदी का बहाव बढ़ जाता है, तेज बारिश होने लगती है जिसके कारण नदी में नोबिता डूबने लगता है। और उसका दोस्त तारो उसको बचा लेता है और नोबिता को एक सेफ जगह पे रखे चला जाता है। फिर तभी वहाँ पे नोबिता के पापा और डोरेमोन पहुँचते हैं। नोबिता अपने पापा से बताता है कि तारो ने आज उसको डूबते हुए बचा लिया और फिर भी वो नोबिता को मना कर रहे थे उससे मिलने के लिए। ये बात सुनकर नोबिता के डैड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो रियलिटी रिवील करते हैं कि 3 साल पहले एक दिन तारो नोबिता से प्रॉमिस करता है कि वो उसको स्विमिंग सिखाएगा। लेकिन उसी दिन नोबिता और उसकी फैमिली अपने घर वापस टोक्यो चली जाती है। लेकिन बेचारे तारो को ये बात पता नहीं होती। वो नदी के किनारे ही बैठ के नोबिता का इंतजार कर रहा होता है कि जब नोबिता आएगा तो वो उसको स्विमिंग सिखाएगा। और इंतजार करते करते ही तारो की आंख लग जाती है और तभी अचानक से नदी का बहाव तेज हो जाता है और नदी का पानी बढ़ने लगता है। बेचारा तारो जो नदी के किनारे सो रखा होता है उसको ये बात पता नहीं चल पाती और वो नदी में बह के डूब जाता है और वो बच नहीं पाता और उसकी बॉडी भी नहीं मिलती। और यार तारो अकेला बच्चा होता है, उसके कोई पेरेंट्स भी नहीं होते, सिर्फ नोबिता उसका दोस्त हुआ करता था। और फिर जब 3 साल बाद नोबिता और डोरेमोन वापस गांव आते हैं और सोल को बुलाने वाला गैजेट निकालते हैं तो तारो की सोल बाहर आ जाती है और नोबिता से किया हुआ अपना प्रॉमिस पूरा करती है। नोबिता के डैड को तारो की डेथ की बात पता थी और उनको लगा कि कहीं तारो की आत्मा नोबिता से बदला न ले ले क्योंकि उस दिन तारो नोबिता का ही इंतजार कर रहा था। लेकिन तारो तो अपना प्रॉमिस पूरा करने आया था। ये सब जान के नोबिता बहुत ज्यादा रोता है और इसी के साथ ही ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो यार नंबर 2 पे है स्टैंड बाय मी डोरेमोन से एक स्पेशल मोमेंट। तो छोटे वाले नोबिता और डोरेमोन जाते हैं 10 साल फ्यूचर में। डोरेमोन वहाँ पे पार्क में खेल रहा होता है और छोटा वाला नोबिता बड़े वाले नोबिता से बात कर रहा होता है। लेकिन फ्यूचर वाला नोबिता छोटे नोबिता की बात पे ध्यान नहीं दे रहा होता, वो डोरेमोन की तरफ ही देखे जा रहा होता है। तो ये चीज छोटा नोबिता नोटिस करता है और वो फ्यूचर नोबिता से बोलता है कि तुम डोरेमोन को जाके हाय क्यों नहीं बोलते। लेकिन फ्यूचर नोबिता बोलता है कि नहीं, डोरेमोन तुम्हारा है, डोरेमोन हम दोनों की बचपन का हिस्सा है और तुम इसके साथ जितने भी टाइम हो बिल्कुल अच्छे से रहना, हर एक पल को एंजॉय करना। तो यार इस डायलॉग से ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि बड़े वाले नोबिता के साथ कोई डोरेमोन नहीं है, इसीलिए वो छोटे वाले नोबिता से बात कहता है कि तुम इसके साथ जितने टाइम हो अच्छे से रहना। यार नोबिता की लाइन हमारी लाइफ की रियलिटी को बताती है। जैसे डोरेमोन नोबिता का बचपन था, वैसे डोरेमोन हमारा भी बचपन है। डोरेमोन को देखते हुए डोरेमोन हमारे लिए उतना ही रियल था जितना कि नोबिता के लिए। और सिर्फ डोरेमोन नहीं, ऐश, बेन 10, किद्रस्सु, निंजा हथौड़ी, शिनचैन और हमारे सारे सुपर हीरोज जो कि हमारे बचपन की इन प्यारी यादों को बनाते हैं और हमारे बड़े होने पे हमारे लिए गायब हो जाते हैं, जैसे नोबिता के लिए डोरेमोन। लेकिन उनकी यादें, उनकी मेमोरीज हमें हमेशा खुशी देती हैं। जो नोबिता डोरेमोन के बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था, वो नोबिता डोरेमोन के बिना बड़े होने पे बिल्कुल अकेला है। लेकिन उनकी ये फ्रेंडशिप हम करोड़ फैंस के दिलों में हमेशा रहने वाली है, हमारे बचपन का हिस्सा बनके, जैसे कि नोबिता के बचपन का हिस्सा डोरेमोन है। Thank you.
तो यार इसी के साथ वीडियो एंड होती है। आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो यार लाइक जरूर कर दिया करो। तो यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और आज के लिए गुड बाय।